हैं, और एक माँ के साथ आप लोग ऐसी क्रूरता, सिर्फ पैसों के लिए आप लोगों को, हम लोगों को शर्म आती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर, बरवाड़ा के अंदर ऐसा इंस्टीट्यूट पैदा हो गया जो पशुओं के साथ क्रूरता कर रहे हैं। तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेना चाहिए, यानी प्रोटेस्ट किया जाएगा इंस्टीट्यूट के खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वो लड़के हाथ डाल रहे थे बार बार उसके अंदर, और वो चेकिंग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ उस पर। वो छोटी सी बछड़ी थी, उस पर बहुत अत्याचार था। और एक गाय पास में पड़ी थी जो पसरी पड़ी थी, उसका गोबर बिल्कुल पतला, गोबर मूत्र के साथ में, और बिल्कुल कमजोर हालत में वो खड़ी भी नहीं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल बरवाड़ा थाना के अंदर हैं, और बरवाड़ा का एक मामला सामने आया। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो कृत्रिम गर्भाधान की ट्रेनिंग देवा है, लेकिन उसी के दौरान एक मामला सामने आया कि गाय के ऊपर जो ट्रेनिंग करी जावा है, और जिससे जो गाय को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ है। कई गाय की इन्होंने बताया कि गाय की हालात ख़राब होगी, और उसी को देख कर ना आज ये संस्थान के अंदर गए हैं, वहाँ पर मिले हैं। लेकिन जिस तरह से गाय को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो चीज़ इन्होंने नहीं मिली, तो उसी के खिलाफ जो यहाँ पर है, जो आज पुलिस थाना में पहुँचे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो इन्होंने करी है। बाकी सारी बातचीत इन तक करेंगे कि कुछ मामला पूरा है। आज का जो मैटर चल रहा है सुबह का, जो इसका कॉलेज का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को जय श्री राम, नमो नारायण, जय गो माता, जय गोपाल। शिकायत तो मुझे कई महीनों से मिल रही थी, क्योंकि जो अपनी गौशाला है वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे ही वो इंस्टीट्यूट है, कृत्रिम गर्भाधारण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो सरकार द्वारा एफिलेटेड है। सरकार ने बनाए हैं ताकि हम नस्ल संवर्धन का कार्य कर सकें, मगर शिकायतें थी कि वहाँ गायों पर अत्याचार हो रहे हैं, गाय का शोषण हो रहा है, और वो गाय की बहुत ही बद हालत वहाँ पे है। तो शनिवार को मुझे वीडियो मिली थी, और इन बच्चों को भी पूरे वो सर्कुलेट हो गए फिर वीडियो, उसमें 3 गायें दिखा रखी थी। एक तो छोटी सी बछड़ी थी बिल्कुल साले की, जिसके ऊपर वो लड़के हाथ डाल रहे थे बार बार उसके अंदर, और वो चेकिंग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ उस पर। वो छोटी सी बछड़ी थी, उस पर बहुत अत्याचार था। और एक गाय पास में पड़ी थी जो पसरी पड़ी थी, उसका गोबर बिल्कुल पतला, गोबर मूत्र के साथ में, और बिल्कुल कमज़ोर हालत में, वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। और एक और बछड़ी उन्होंने बाज खिड़की में रख रखी थी। तो फिर हमें सूचना मिली, सैटरडे को छुट्टी थी, संडे को छुट्टी थी, मगर मंडे को हम वहाँ चलेंगे और उनसे बात करेंगे, भाई ये इसे अत्याचार क्यों कर रहे हैं। तो आज जब ये बच्चे सुबह गए, मेरी बैठक तो थी, तो ये बच्चे वहाँ पुलिस के साथ में गए, मैंने मना किया था ऐसे मत जाना कोई भी, क्योंकि किसी के घर जा रहे हैं हम, और किसी घर में ऐसे जाना वो अपने पे रिवर्स केस भी कर सकता है। मगर हम ठीक के लिए जा रहे हैं, मगर वो हम पे दुश्मन समझ के। तो फिर वो पुलिस के साथ ये बच्चे सुबह गए, तो इन लोगों को कुछ उन्होंने बोला कि आप ऐसे नहीं आ सकते, और पुलिस वाले भी सिर्फ साथ में थे। तो बाद में उन लोगों के साथ बैठक हुई हमारी, कि तो उन लोगों ने मगर अपनी गलतियाँ नहीं मानी, वो कह रहे हमें तो लिखित में, हमारे पास सब प्रूफ हैं। तो उनकी बातों से पता चला, उन्होंने बातों बातों में कहा कि हम तो गाय रोड से पकड़ के लेके आते हैं, और फिर हम रोड पे छोड़ देते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, उनका काम है। मगर हमारा मेन इशू था वहाँ, अभी भी बहुत सी गायें, 8-10 गायें और भी अंदर थी, उनके ऊपर ना कोई छत की व्यवस्था है, सूखी तुड़ उनके आगे पड़ी थी, कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। अभी 2 दिन का जब उनको वो वीडियो सर्कुलेट हुई है मार्केट में, तो उन्होंने वहाँ कुछ पंखे और कुछ पानी की व्यवस्था की है, वो ताज़ा चीज़ आप कोई भी देख सकते हैं वहाँ जाके, भाई ताज़ा किया हुआ है। तो उन लोगों से संतोषजनक हमें उत्तर नहीं मिला, मगर प्रशासन वाले, उनके जो भी पार्टनर थे, वो काफ़ी आगे थे वहाँ पे। महाराज जी, जो गर्भाधारण है, मतलब सभी पशुओं को है या फिर गऊ गऊ पर वो है इस तरह? नहीं, गर्भाधारण देखिए, जो सीमन होता है वो आर्टिफिशियल होता है, और वो तभी उपयोग किया जाता है जब गाय हिट में आती है। जब गाय हिट में आती है तो उसकी बच्चा दाने क्या है, उसका मुंह होता है, वो खुल जाता है ऑटोमेटिक, तो हम सीमन रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। मगर जब गाय हिट में नहीं है तो उसकी बच्चादानी बिल्कुल बंद हो जाती है, तो जब उसके अंदर हाथ डालेंगे तो उसको दर्द होगा, पीड़ा होगी। हमारे भी कोई कांटा चुभ जाए तो हमें कितना पीड़ा होती है। एक बार तो जब गाय हिट में होती है, गर्भ धारण करते हैं, तो वो बच्चादानी खुलती है, तो सीमन इंजेक्ट किया, और जो वेन होती है वो बिल्कुल छोटी होती है, जो ये की नली होती है बहुत पतली सी होती है, वो डाल के निकल जाती है तुरंत। मगर हाथ देख के तो कितना मोटा होता है, और दिन में 30-35-40 बार तक उसको बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं एक गाय पे, तो वो तो बहुत बड़ा उत्पीड़न का काम है, मैं समझता हूँ। कुछ एज क्राइटेरिया को नहीं होता गौ माता? नहीं, गाय का देखिए 24 महीने कम से कम होते हैं, 24 महीने बाद हिट में आती है। हिट में आने के बाद भी आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, आप उसको क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, क्या उसका रहन सहन है, क्या खान पान है। यूनिवर्सिटी हमारी बहुत बड़ी बड़ी है, लुआस भी है, एचयू भी है, वो लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मगर उन लोग के गाय का स्वास्थ्य देखिए बहुत अच्छा है, वो लोग मेंटेन करते हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज़ पर, तो अच्छी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप रोड से पकड़ते हैं, आप पैसे भी कमा रहे हैं, बच्चों से पैसे भी ले रहे हैं, सरकार से पैसे ले रहे हैं, मगर ना आप गाय को खिल कुछ खिला रहे हैं, ना उनकी व्यवस्था में कुछ आप पैसा खर्च कर रहे हैं। रोड पे आई, आपने पकड़ा और फिर आपने रोड पे छोड़ दिया, ये तो सरासर अन्याय है, गलत है। तो इसके लिए आज ही संस्था वालों ने हमारी कोई बात नहीं मानी, आपको क्या कुछ कमियां वहां पर नजर आई?
हम लोगों ने कहा जो गाय वहाँ पड़ी थी परसों वो गाय कहाँ है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। फिर हमने क्वेश्चन किया थी आप गाय कहाँ से लेके आते हैं, भैया गाय कहीं से लेते हैं, आपका कोई रिकॉर्ड है? उन्होंने साफ मना कर दिया, हम तो रोड से पकड़ के लेके आते हैं। ये किसी क्षेत्र में नहीं लिखा गाय रोड पे घूम रही है, अपना जीवन यापन कर रही है, कम से कम उसको पीड़ा तो नहीं होती है। चलो किसी ने दूध पी के छोड़ दिया वो गलत है, मगर वो भूखी प्यासी तो रोड पे नहीं घूमेगी ना, वहाँ तो बांध के उसको कैद कर रखा है। गौशाला तो मेरे पास भी है, मैं भी गौशाला का संचालन करता हूँ, और भी हर गाँव में गौशाला है, मगर वहाँ पर उनके पर अत्याचार तो नहीं करते ना कोई लोग। तो इसीलिए हमने आज फिर उन लोगों ने बात नहीं मानी, तो फिर हमने अभी एस एच ओ साहब से बात करके हमने निवेदन किया है कि वहाँ व्यवस्था ठीक हो, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी का चलो जमाना है, विकास कर सकते हैं कि अच्छे नंदी नहीं है, मगर किसी का प्रताड़न करना भी बहुत गलत है मैं समझता हूँ। एक्सपेरिमेंट के लिए महाराज जी गाय ही क्यों? गाय एक्सपेरिमेंट इसलिए क्योंकि वो गाय और भैंस पे ए आई रखते हैं, सीमन रखते हैं, भैंस पे करते हैं, तो भैंस पे क्यों नहीं गाय, गाय क्यों ले रखी है? वो तो देखिए उनका कंसर्न है, हम अभी कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, वो तो अभी एस एच ओ साहब हैं, या अभी हम गवर्नमेंट में भी जाएंगे, सरकार से भी निवेदन करूँगा, सरकार उस पर चेक कराएगी, यही तो हर चीज़ की हो सकती है। मगर वो लोग गायें लेके आते हैं रोड से पकड़ते हैं, क्योंकि भैंस लेके आएंगे तो पैसे लगेंगे, एक फंडर भैंस भी लेके आएंगे 70-80-90 हज़ार की आती है, गाय तो फ्री की है, उनको मिल जाती है रोड से, उठाई ले गए फिर छोड़ दिया या उनको क्या करते हैं। तो हम लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर हम लोगों ने भी एस एच ओ साहब को एफ आई आर के लिए कॉपी दी है। और हमने ये भी सुना है कि अब जो सुबह बच्चे गए थे, मैं सुबह नहीं गया था, उनके ऊपर वो लोग रिवर्स केस भी डाल रहे हैं कि हमारे पास ही आए, हमारी तोड़फोड़ की, हमें धमकाया, कुछ ऐसा सुनने में आया, वो क्या सच्चाई मुझे नहीं पता। मामला चल रहा है इसके बारे में कुछ कहना है, जो छोटे गायों के साथ में इस तरह बताया जा रहा है कि 40-50 लोग मतलब उस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं? बिल्कुल, ये बात 100% सत्य है। आज कम से कम 100 युवा साथ गए थे, सभी युवाओं ने देखा कि कैसे पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है, और ये नहीं है कि इनके पास प्रूफ नहीं है, बस युवाओं के पास 100 से ज़्यादा वीडियो हैं जो पशुओं के साथ क्रूरता की गई है। और दूसरी चीज़, इंस्टीट्यूट का जो रवैया था बहुत ही गलत था, एब्यूज़ लैंग्वेज युवाओं के साथ यूज़ की गई है। एक गुरु जो शिक्षा देता है, वो चाहे शिक्षा चाहे धर्म की हो, चाहे कर्म की हो, चाहे पशुओं के बारे में हो, वो इस तरह का मिस भी है उनकी लैंग्वेज। आप वीडियो रिकॉर्डेड आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही गलत है। और दूसरी चीज़, इंस्टीट्यूट जो भी है इसके अंदर इसके खिलाफ 100 से ज़्यादा प्रूफ हैं, इसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, और इनके खिलाफ सजा जो भी है, जो कठिन से कठिन सजा सरकार को लागू करनी चाहिए, ताकि अगर हमने तो लाइव जो देखा है एक इंस्टीट्यूट के अंदर देखा है, ऐसे हरियाणा के अंदर लाखों इंस्टीट्यूट हैं जो वेटरनरी की, जो पशुओं के गर्भधारण की क्रिया का कार्य करवाते हैं, हर इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा होता होगा। पूरे संज्ञान में लेके कानून लागू करना चाहिए कि एक पशु के ऊपर आप कितने स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद वो ऑन रिकॉर्ड आप लोगों के पास है या नहीं है। वो कह रहे हैं हम गाय लाते हैं, गाय छोड़ देते हैं, क्या मतलब हुआ ये? आप बाहर से कोई पशु उठा के ले आओ, क्यों उठा लाओगे? आवारा पशु है तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उसको फेंक दोगे, आप अपने बच्चों को रख दोगे ऐसे किसी के सामने? आप क्या अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें करवा सकते हो? हैं, वो भी किसी की माँ है। हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म की संस्कृति के अंदर गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है, और एक माँ के साथ आप लोग ऐसी क्रूरता, सिर्फ पैसों के लिए आप लोगों को, हम लोगों को शर्म आती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर, बरवाड़ा के अंदर ऐसा इंस्टीट्यूट पैदा हो गया जो पशुओं के साथ क्रूरता कर रहे हैं। तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेना चाहिए, यानी प्रोटेस्ट किया जाएगा इंस्टीट्यूट के खिलाफ, और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। जान माल की भी नुकसान हो जाएगा? नहीं, हमने कैसे कुछ नहीं किया, हमने ऐसे किसी प्रकार का कुछ नहीं किया जान माल का। हम एक बिल्कुल हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। 3 दिन पहले जो गाय इन्होंने प्रैक्टिस के अंदर यूज़ कर रहे थे, वो गाय वहाँ पे नहीं है, बच्चों के पास उसकी वीडियो है, गाय की वीडियो है, वो गाय वहाँ पे नहीं है किसी भी तरीके की। आज उसको, और जो प्रैक्टिस के लिए ग्लव्स पहने जाते हैं 29 से 30 ग्लव्स हैं, और वहाँ पे पशु की संख्या आप जाके देखना कितनी है, 12 या 13 गाय इन्फेक्टेड करके छोड़ी जा रही हैं, और गाय नहीं, गाय के बछड़ों को भी इन्फेक्टेड किया जा रहा है। उनको जो मिलता है वो ठोक देते हैं अपनी अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर, वो चाहे मरे चाहे जिए। उन्होंने एक कहते हैं ना कि बलि चढ़ा रहे हैं गायों की। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, ये वीडियो देखिए। ये छोटी सी बछड़ी है, बिल्कुल 1 से 1.5 साल की है, और ये गाय नीचे पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये तीनों वीडियो अभी, इसमें कोई भी बछड़ी हमें वहाँ नहीं मिली, ये ठीक पिछाड़ में नहीं आ रही है बिल्कुल। और एक ये वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ऐसी ऐसी गायों पर वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसे तो कोई राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी नहीं करते, और ये तो मनुष्य है, पता नहीं किस योनि में है। ये देखिए,
ये ऐसी ऐसी गायें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इस गाय के इतने जख्म हो रखे हैं, इतनी उठने की हालत में नहीं थी ये। ऐसी ऐसी गायें पर वो एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए। भाई जी क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब पहला सारे पत्रकार भाइया ने राम राम। दूजी जो मेरे गौ सेवक इन भाई है तय दिल तय धन्यवाद जो इतनी गौ के लिए मदद करी। ये है भाई ओड़ा जमा नरा नरी गऊ तरी है, एक किस्म का कसाई अथा खुल रहा है। मैं सरकार तो यही अनुरोध करूँगा सर कसाई अथा बंद करवाया जाए, जो जुल्म कर है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब? जो सरकार अपने रूल है उनके तो अच्छा फांसी टूटने चाहिए, इतना बुरा हाल कर रखा है। आप लोगों ने देखी कोई आंखें देखी गए? ये जो रिकॉर्डिंग है ये सबसे पहला हमारे ही गांव में हमारे बच्चों के पास आई थी, मैंने फिर आप बर्गिया के पास पहुंचाई है, वो गायें भी नहीं मिली आज। अच्छा, फिर कोई प्रूफ मिला? सबूत तो हमें गाय का हमारे पास है, ये गाय थी आज मामन वो गाय नहीं मरी, नहीं उनती कोई वो नहीं दिया कि ये गाय हमारे पास है ये मरगी। हमें ये भी बोलिया मरी गाय का हमने वो दिखाई दो हमारी संतुष्टि हो जी, गाय कोई बड़ी बात नहीं बीमारी तभी मर जाए। हमें ये नहीं कहते उनती मार दी, बीमारी तो ही मर जाए। फिर इतने बंदे गए थे उनका पेटा भरना था उनकी जिम्मेवारी थी, उनकी कोई ईशा संतुष्ट जवाब नहीं दिया। हमें तो सारा भाई था जोड़ का निवेदन है जितने गौरक्षक वाले भाई है सारे मदद करें, इन पर पूरी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद भाई।